सच साहस सरोकार। इस देश के प्रधानमंत्री जो है ओबीसी वर्ग से आते हैं। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हम सदैव बने रहे, मुख्यमंत्री चाहते हैं मेरी पुस्तैनी संपत्ति हो जाए, ऐसा नहीं गलत है। अगर योगी जी ने अगर अपने 5 साल कार्यकाल में अगर उन लोगों से दुगुना रोजगार नहीं दिए होंगे तो हम लोग पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। मैं कह रहा हूँ 2024 के बाद यह जाति जनगणना अपने आप अवश्य करवा दिया जाएगा, इनका घमंड तोड़ दिया जाएगा कि अब जाति जनगणना से आपको लाभ कितना है। ये कि किस तरीके से आम जनमानस इसे देखते हैं? आम जनमानस नहीं, योगी जो मोदी को लाए हैं, मोदी सदैव चाहते हैं कि मेरे इशारे पर सब नाचे, एक नौटंकी का एक्टर समझो बस। प्रधानमंत्री की योग्यता नहीं, एक नौटंकी के एक्टर की योग्यता है। देश पैदा करने वाले ये कुर्सी के लालची कहते हैं कि जातीय गणना होनी चाहिए। मैं फलाना बिरादरी से हूँ और अपना एक झंडा लेकर के आता है, पता लगता है कि उसका बाप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया, वो लड़का महामंत्री हो गया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुर्सी के लिए लड़ रहा है। और किस बात का जाति जनगणना होना चाहिए अभी बताइए? कोई पंडित ठाकुर बना हुआ है राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कोई पंडित ठाकुर बैठा हुआ है? आप कहीं कास्ट, ये विपक्ष वालों का पोपो डंडा है, ठीक है। जाति जनगणना का मुद्दा बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में अपने पैर पसार चुका है। लगातार यह मुद्दा उत्तर प्रदेश में कई क्षेत्रीय दलों के द्वारा उठाया जा रहा है और प्रदेश सरकार से लगातार जाति जनगणना की मांग की जा रही है। समाजवादी पार्टी ने आज सदन में भी यह मुद्दा जमकर उछाला और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जाति जनगणना के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जमकर घेरा भी हुआ है। इस समय हम दारू सफा के बाहर खड़े हैं और कुछ लोगों से जाति जनगणना के मुद्दे पर बात करेंगे कि देश में जाति जनगणना की स्थिति क्या है, क्या लोग जो आम जनमानस है वो जाति जनगणना की स्थिति को किस प्रकार से देखता है। जाति जनगणना को समझाने के प्रयास में हम आपको बताएं कि इससे पता चलता है कि समाज में किस जात की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है और इससे सरकार को कई लाभान्वित योजनाएं बनाने में लाभ मिलता है। जाति जनगणना के इस मुद्दे पर हम लोगों के रिएक्शन लेंगे, लखनऊ की जनता से जानेंगे कि उनकी क्या राय है जाति जनगणना के इस मुद्दे। जाति जनगणना का मुद्दा जो है अब बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी जो है अपने पांव पसार चुका है और सदन में भी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जाति जनगणना का मुद्दा जो है वो कितना वाजिब मुद्दा है? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि जातीय जनगणना के पहले जितने साधु संत हैं सबकी जाति जनगणना होनी चाहिए, साधुओं संतों की पहले जाति जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि केवल ये आरोप लगता है कि सारे साधु संत ब्राह्मण हैं। पहले ये जाति जनगणना संतों की होनी चाहिए कि क्या उसमें सभी जातियों के साधु संत हैं कि नहीं है। पहले साधु संतों की जनगणना करवाइए, जाति जनगणना करवा लीजिए, इसके बाद पहले ब्राह्मणों पर आरोप लगाना छोड़िए, देखिए कि कितने जातियों के साधु संत मौजूद हैं। हमारे यहाँ एकता की बात की जाती है, लेकिन केवल एक पार्टियाँ केवल जो है ये भ्रम फैलाना चाहते हैं, केवल तोड़ना चाहती हैं। तो पहले साधु संतों की जनगणना करवा ले, अगर केवल ब्राह्मण निकले साधु संतों में, केवल ब्राह्मण निकले तो जाति जनगणना करवा लो। अरे ये भ्रम मत फैलाओ, ये केवल कहा जाता है। हम कह रहे हैं अभी चले जाइए गोरखनाथ मंदिर में, कमलनाथ जी मुख्य जो प्रधान पुजारी हैं वो दलित समाज से हैं, प्रधान पुजारी हैं। ये लोग केवल भ्रम फैलाते हैं, केवल ब्राह्मणों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जाति जनगणना करानी है पहले साधु संतों की जाति जनगणना करा लो, इसके बाद तब बाकी चीज। क्या दोस्त देश को तोड़ने वाली बात करते हो, सबको मिलाने के बजाय देश तोड़ने की बात करते हो? पहले साधु संतों की जाति जनगणना करा लो कि क्या अन्य जातियों के लोग साधु संत हैं कि नहीं है, मंदिरों में अन्य जातियों के लोग पूजा पाठ कर रहे हैं कि नहीं। अरे भाई, जो योग्य होगा वही जज बनेगा, जो योग्य होगा वही वकील बनेगा, जो योग्य होगा वही मंदिर में पूजा कर। पहले आप बाबा रामदेव कौन सी जात के हैं, साक्षी महाराज जी कौन सी जात के हैं, ये उमा भारती जी कौन सी जात के हैं? अरे ये मूर्खों का दे, मूर्ख बनाते हो, केवल जाति राजनीति की रोटियां सेकते हो, जाति जनगणना को लेकर केवल आपस में भिड़ाने की कोशिश कर रहे हो। जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैंने तो कह दिया कि जाति जनगणना केवल लड़ाने के लिए करवा रहे हो, आपस में बांटने के लिए कर रहे हो। आपके हिसाब से जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए प्रदेश? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पहले ये हमको बतावे, क्यों IAS अधिकारी को बड़ा सा बंगला मिलता है, चपरासी को एक कमरे का बंगला मिलता है? जिसको पहले इसको डिफाइन करें, ये संविधान क्यों कहता है कि चपरासी को एक कमरा दे दो
और आप उसके परिवार नहीं है। चपरासी को एक कमरे का मकान मिलता है, आईएएस अधिकारी को बड़ा सा कमरा मिल जाता है, बहुत बड़ा बंगला मिलता है, और आप पर पुरानी परंपराओं को, अरे भाई जज को बहुत बड़ा बंगला मिलता है कि नहीं मिलता है आप बताइए, और चपरासी को कितना बड़ा मिलता है, एक कमरे का मिलता है। क्या आज वो व्यवस्था नहीं लागू है? हमारे समझ का फेर है, ये केवल हमको भ्रम में डाल के वोट की राजनीति करना, किसान की कोई बात नहीं करेगा। जो गरीब किसान है उस केवल किसान की गणना कराओ, किसानों को क्या मिल रहा है जो आपको रोजी रोटी दे रहा है उसकी जनगणना करा लो कि कितने किसान है और कितने गरीब हैं। जाति जनगणना करा के देश में और केवल भ्रम पैदा करना चाहते हैं। जाति जनगणना से देश में कई भ्रामक स्थितियां पैदा होंगी और लोग जो है एक दूसरे से बटेंगे, तो इस प्रकार से लोगों का रिएक्शन ये है कि जाति जनगणना कई प्रकार से लोगों को बांटने की राजनीति करेगी, और जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं वो देश के बांटने की बात करेंगे। अब हम किसी कुछ और लोगों से बात करेंगे, कुछ लोगों से जानेंगे कि जाति जनगणना इस प्रदेश के लिए जरूरी है नहीं है। आप बताइए कि जाति जनगणना जो है होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में या नहीं होनी चाहिए? जाति जनगणना होना चाहिए जब पक्षियों की गणना हो सकती है, पेड़ों की गणना हो सकती है, मछलियों की गणना हो सकती है, डॉल्फिन की गणना हो सकती है, शेरों की गणना हो सकती है, तो जातियों की जनगणना भी होनी चाहिए। और भारत सरकार को और राज्य सरकार को जाति जनगणना करानी चाहिए, जितना जिसकी हिस्सेदारी उतना उसकी भागीदारी करना चाहिए। ये बताइए कि क्यों होनी चाहिए जाति जनगणना? जाति जनगणना क्यों होनी चाहिए? जब आप पेड़ों की गणना करते हैं, आप देखे होंगे कि रोड पे जितने पेड़ लगे होते हैं तो उस पे नंबर पड़े होंगे। शेरों की गणना सुने हैं, पक्षियों की गणना सुने हैं, तो इंसानों की गणना क्यों नहीं हो, जातियों की जनगणना क्यों ना हो? जातियों की जनगणना होनी चाहिए कि कौन किस बिरादरी का, किस जात का कितने लोग हैं, तो उतना उनका हिस्सेदारी दे दीजिए, बात खत्म। हिस्सेदारी छिपाने के लिए ही जनगणना नहीं कराई जाती है, जाति जनगणना होनी चाहिए, कराना चाहिए कि सबको पता हो जाए कि आपकी जात इतनी है, आपको हिस्सा इतना मिल रहा है। जब हिस्सेदारी की बात आ रही है, जनसंख्या के बल पर हिस्सेदारी आ रही है, तो उतना कर दें, बात खत्म हो जाए। जाति जनगणना जो है 90 साल पहले 1931 में हुई थी ब्रिटिश शासनकाल में, उसके बाद जो है अब तक जो है जाति आधारित जनगणना नहीं हुई है। यूपीए 2 की सरकार थी, 2011 में जनगणना हुई थी, लेकिन उसके रिपोर्ट में कमियों को मानकर उसके जो जाति आधारित जनगणना है उसके डेटा को जाहिर नहीं किया गया था। प्रदेश सरकार भी अब यह स्पष्ट कर चुकी है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि प्रदेश सरकार जाति जनगणना के विरोध में नहीं है। एकदम वो सही कह रहे हैं। और दूसरी बात, जो कांग्रेस पार्टी ने उस समय भी जात की था, मैं भी पढ़ रहा था, मुझसे भी पूछा गया था किस जात के हैं, कितने भाई हैं, कि माता पिता और ननिहाल कहाँ है, सारी चीज़ें हुई थी, तो जनगणना हुई थी, तो उसमें जातिवार जनगणना करने में क्या दिक्कत है? जातिवार जनगणना होनी चाहिए। अगर डिप्टी सीएम कह रहे हैं, सरकार के वरिष्ठ नुमाइंदे हैं, सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, तो अगर वो कह रहे हैं तो उनकी बात भी कहीं तक जायज है और होना भी चाहिए। उससे किसको परेशानी है? किसी को नहीं परेशानी है। सब जातियों की जनगणना हो जाएगी, कितना कितना है लोग, और उसी के हिसाब से उनकी जनगणना हो जाएगी। मैं थोड़ा आपको पीछे लेके चलता हूँ। 1951 का साल था, गृह मंत्री उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और सदन में उन्होंने बकायदा जो है जाति जनगणना पर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि अगर जाति जनगणना होगी और जिस जात की स्थिति जो है वो निम्न पाई जाएगी और वो जाति जो है संख्या में कम होगी, तो उस जात के लोग जो है परिवार नियोजन छोड़ के जो अपनी संख्या बढ़ाने में लगेंगे, जिससे देश का नुकसान होगा, इसलिए जाति आधारित जनगणना को जो है सरदार पटेल ने खारिज कर दिया था। क्या आप मानते हैं कि जाति आधारित जो जनगणना होगी उससे जो है इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं देश को? देखिए, सरदार पटेल जी उस समय जो परिस्थितियां थी उसके अनुसार बोले थे। सरदार पटेल ने तमाम जो है रियासतों को तोड़कर भारत में विलय कराए थे। तोड़कर या जोड़कर? नहीं, उनको पहले जो है समझाए बुझाए, उसके बाद दबाव बना के उसको जो है जोड़े, तो भारतवर्ष बना, हिंदुस्तान बना। तब की परिस्थितियां कुछ और थी, तब की परिस्थिति कुछ और थी, उन्होंने ये कहा। लेकिन वो ये थोड़ी कहे थे कि हाँ ये इस तरह का होगा भाई। आप वो थोड़ी कहे थे कि किसी को दबाया जाए, किसी को वो किया जाए, वो तो बहुत कुछ कहे थे, उस पर अमल कहाँ हो रहा है? आप बताइए, सरदार पटेल जी तो बहुत कुछ कहे थे, उस पर कोई अमल किया आज तक? अमल होना चाहिए था। जात गणना से कोई नुकसान नहीं है, आज की परिस्थिति में कोई नुकसान नहीं है। तमाम संविधान संशोधन हुए, इसमें भी संशोधन करना चाहिए, जात गणना करानी चाहिए, होना चाहिए।
तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मिली जुली प्रतिक्रिया जो है जाति जनगणना पे हमको देखी जा रही है। कोई इसके पक्ष में बोल रहा है, कोई इसके खिलाफ बोल रहा है। हम और भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में जाति आधारित जनगणना जो है वो सही है, वो होना चाहिए या नहीं। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी जो है ये मुद्दा काफी छिड़ चुका है और तमाम क्षेत्रीय दलों की जो पार्टियां हैं वो जाति आधारित जनगणना की मांग उत्तर प्रदेश में कर रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना होनी चाहिए? जरूर होना चाहिए। जब तक हम जाति जनगणना नहीं कर पाएंगे तब तक कैसे मालूम होगा? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आप कैसे किसी का हक दे पाओगे जब उसकी वास्तविक संख्या को आप समझ नहीं पाओगे? तो उत्तर प्रदेश में ये सबसे पहले हमारे माननीय नीतीश जी ने बिहार से शुरू कर दिया है। जातीय जनगणना बिहार में शुरू हो गया है और पहले चरण में वहाँ जनगणना लगभग पूरा हो गया है, दूसरा चरण फिर शुरू होने जा रहा है। तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हम तभी दे पाएंगे जब हम जमीनी हकीकत को जानेंगे। हम केवल घोषणा करेंगे तो हम केवल घोषणा करें, केवल झांसा देंगे और केवल मन की बात करेंगे तो हम काम की बात नहीं कर पाएंगे। प्रदेश सरकार ने तो अपनी स्थिति साफ की है कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए और भाजपा उसके पक्ष में। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, पूरे प्रदेश नहीं देश की जनता को ये बतलाना चाहूंगा कि जातीय जनगणना उत्तर प्रदेश सरकार ही नहीं, भारत सरकार क्यों नहीं करा रही है? भारत सरकार तो जनगणना ही नहीं करा रही है अभी तक। भारत सरकार को स्वयं कराना चाहिए। अगर नहीं कराएंगे इसका मतलब इनकी नीयत में खोट है। ये बैकवर्ड जातियों के साथ छल कपट करना चाह रहे हैं, इनकी नीयत ही नहीं है। ये केवल ढोंग रचेंगे कि हम आवाज उठाएंगे नहीं। आप कह रहे हैं कि बैकवर्ड के साथ जो है डबल इंजन की सरकार छल कर रही है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री वो भी पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो इस तरीके से आप कैसे कह सकते हैं कि पिछड़ों के साथ छल हो रहा है? भाई देखिए, पिछड़ों का इसलिए छल हो रहा है कि अभी नगर निकाय चुनाव में जो पिछड़ों का आरक्षण समाप्त किया गया है उसके लिए सरकार क्या कर रही है, ये पैर भी नहीं कर पा रही है, जानबूझ करके इसमें शिथिलता बरत रही है ताकि इनके आरक्षण को समाप्त कर सके। पर बाबा साहब ने जो आरक्षण लिख दिया है वो ये समाप्त कर नहीं पाएंगे। और यही नहीं, ये जो भी हमारे लोग हैं हम लोग स्वयं इसके पीछे खड़े हैं। बिहार से माननीय नीतीश जी ने जातिगत जनगणना शुरू कर दिया है और हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में जातिगत जनगणना कराया जाए ताकि जिसकी जितनी संख्या हो, जो जमीनी हकीकत हो, उतनी उसकी हिस्सेदारी मिले सत्ता में। आपने कहा कि जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। अगर जाति जनगणना होती है, किसी जात की जो है वो संख्या कम होती है, तो क्या वो जाति बाद में जाके, वो जाति वर्ग जो है बाद में जाके अपनी जनसंख्या को नहीं बढ़ाएगा, परिवार नियोजन का पालन नहीं करेगा, जिससे देश की जनसंख्या में विस्फोट होगा? देखिए, परिवार नियोजन तो बहुत पहले से चला आ रहा है। माननीय इंदिरा जी ने नसबंदी कानून लाया था, उस समय लोग विरोध कर रहे थे। कोई भी कानून जब आता है, राजीव जी कंप्यूटर लाए थे, लोग कंप्यूटर का विरोध कर रहे थे। जब भी कोई कानून आता है, ये पीवी नरसिंहा राव जी ये लाए थे, कृषि पेटेंट लाए थे, वो ये लोग विरोध कर रहे थे। लेकिन आज सब पुराने रास्तों पे ही ये चल रहे हैं। देखिए, एक और सिस्टम मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को, कि जल जीवन हरियाली जो गांधी और लोहिया के सपनों को साकार करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिसको लागू किया था, आज वो पूरे देश में हमारे मोदी जी वो अपना रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं। जो हम लोग पहले सुनते थे, देखते थे कि ये गुजरात मॉडल वर्षों पीछे छूट गया, बहुत पीछे छूट गया है। आज आप पूरे देश में बिहार मॉडल की चर्चा हो रही है। तो बिहार मॉडल की आप चर्चा की बात कर रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि बिहार, जिस तरीके से बिहार में जातीय जनगणना शुरू है, वैसे शोषित वंचितों का हक देने के लिए, अल्पसंख्यकों का हक देने के लिए ये जातिगत जनगणना करावे। और यही केवल उत्तर प्रदेश की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे भारत वर्ष की बात कर रहा हूँ, ताकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिल सके। और एक चीज आपसे और बताना चाहूंगा कि ये कराएंगे नहीं, ये केवल झांसा देंगे, ये केवल मन की बात करेंगे,
काम की बात नहीं करेंगे, केवल मन की बात करेंगे। अच्छा ये बताइए, आजादी से आजादी के 75 साल का इतिहास हो चुका है, 75-76 साल हो गए हमको आजाद हुए, लेकिन किसी भी सरकार ने जातिगत जनगणना अभी तक नहीं कराई है। तो विरोध जो है वर्तमान सरकार जो केंद्र में है उसका है कि उस सभी सरकारों की जिम्मेदारी थी, लेकिन कराई तो किसी ने नहीं। देखिए, जो सत्ता में रहता है, जिसके पास देने की क्षमता होती है, उसी से मांगा जाता है। चूंकि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, जो ये बार बार कहते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार ये दे रही है, वो दे रही है। मैंने आपके माध्यम से एक दिन और बताया था कि अगर ये 25 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि जोगी जी और मोदी जी ने राशन दिया है। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि पूरे देश की 137 करोड़ जनता जो महंगाई से मर रही है, जो भूखमरी से मर रही है, जो बेरोजगारी से मर रही है, जिसके पास पेट्रोल नहीं है, जो सब्जी के पैसे नहीं है, डीजल नहीं है, 14 रुपया सरसों का तेल था, यही जनसंघी इंदिरा जी की सरकार गिरा दिए थे, आज 214 रुपया सरसों का तेल हो गया है, पेट्रोल भी शतक मार दिया है, डीजल भी उसी में आ गया 111 का, और 1100 का सिलेंडर हो गया, जब 400 का सिलेंडर था तो ये लोग सड़कों पे लेके उतर रहे थे। और रही बात, हम फिर कह रहे हैं कि ताल खड़खड़ाते हैं केवल गिद्ध चील ही गाते, और ओमी धार भी जम जाती धरती तक आते आते। ये सरकार केवल घोषणा करती है, जनता के भलाई के लिए कुछ करेगी नहीं, ये केवल झांसा देगी, मन की बात करेगी, काम की बात नहीं करेगी। धन्यवाद। तो और भी लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या उनकी राय है जाति जनगणना पे। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जातीय जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये बताइए। 70 साल हमारे देश को बीत गया, लालू यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, रामविलास पासवान जी, शरद यादव जी, नीतीश कुमार जी, सारे लोगों को नाम जानते हैं ना। ये जब जब चुनाव आता है तो इन लोगों को जब कुर्सी घसकती है ना, तो इन लोगों को जैसे छटपटाहट नहीं होता है, जब चरपाई पर आदमी सोता है ना तो उड़ीस काटता है, तो लगते हैं ऐसे ऐसे खोते हैं ना, देखे कि नहीं देखे, यही दशा इन लोगों के पास है। हमारा देश, हमारा प्रधानमंत्री, हमारा मुख्यमंत्री आज जो देश के लिए कर रहा है, आज तक न कोई किया है न करेगा। बिना किए देश इतना आगे बढ़ गया, क्या बढ़ा है बताइए। हमारे आपने कहा, अभी भाई साहब ने कहा एक बात कहा कि जोगी जी और मोदी जी खाद्यान्न दे रहे हैं। अगर हम खाद्यान्न दे रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? अगर वो सड़ जाता, यही कांग्रेस के जमाने में आपको याद होगा कि जहां भी जाएंगे, जिस स्टेशन पर जाएंगे, कम से कम हजारों हजारों टन कुत्ते खाते थे, जानवर खाते थे, सड़ जाता था। लेकिन आज वही जोगी जी और मोदी जी उठा करके गरीबों में दे रहे हैं, तो दोषी हो गए। जातीय जनगणना की बात करते हैं, आपके हिसाब से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जातीय गणना नहीं, हम देश के नागरिक हैं, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमारी जनगणना होनी चाहिए कि हम कितनी जनसंख्या में हैं। ये हमारी जात की, हम जात में नहीं हैं, हम हिंदुस्तान हैं, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम, इससे मतलब हम सनातनी हैं। हमारी जनगणना होनी चाहिए कि हमारे देश में हिंदुओं की संख्या कितनी है, हम इसके फेवर में हैं। आज हमको लगता है कि हम जाते हैं बनारस तो लगता है कि हम अपने मंदिर पर जाते हैं, हम जाते हैं तो लगता है कि अयोध्या में जाते हैं। बहुत गरीबी देखे, बहुत अमीरी देखे हमने। लोग कहते हैं कि पेट्रोल हो गया 200 रुपये, 100 रुपये, हमने तो 3.5 रुपये पेट्रोल भराया है। हम तो जब पढ़ते थे तो पटरी लेके पढ़ने जाते थे, आज हमारा बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसको पहनने के लिए जूता अलग रहता है, स्कूल जाने के लिए अलग रहता है। गरीबी कहाँ है? हम गरीब नहीं हैं, हम दिन पर दिन संपन्न होते गए हैं। अगर गरीबी नहीं है तो सरकार क्यों मुफ्त का राशन बांट रही है? अरे हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो हम आखिर उसको क्यों गड्ढे में फेंक दें, क्यों सड़ा दें, क्यों किसी को दे दें? हमारी मुफ्त में हमारे लोग खाएं, क्या दिक्कत है? रोजगार की बात होती है, महंगाई की बात होती है, जो नौजवान रोजगार मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं बेरोजगार वर्ग चिल्ला रहा है कि हमें रोजगार। आज आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2000 में, 2007 में बसपा की सरकार थी, 2012 में सपा की सरकार थी। आंकड़ा उठा के देख लीजिए कौन कितना रोजगार दिया है। अगर जोगी जी ने अगर अपने 5 साल कार्यकाल में अगर उन लोगों से दुगुना रोजगार नहीं दिए होंगे तो हम लोग पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। अगर जोगी जी ने अगर अपने 5 साल कार्यकाल में अगर उन लोगों से दुगुना
रोजगार नहीं दिए होंगे तो हम लोग पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। अगर योगी जी ने अगर अपने 5 साल कार्यकाल में अगर उन लोगों से दुगुना रोजगार नहीं दिए होंगे तो हम लोग पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। क्या नुकसान है जाति जनगणना की, अगर हो गया तो क्या नुकसान होगा देश का, प्रदेश का? जातीय गणना से बहुत नुकसान है। नुकसान ये है कि हम आपस में लड़ेंगे, हम आपस में मारामारी करेंगे। हम तो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम तो कहीं भारत माता की जय बोलते हैं। हम ये थोड़ी बोलते हैं कि हम ठाकुर साहब जिंदाबाद, ब्राह्मण जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद, ये थोड़ी बोलते हैं। हम तो यहीं भी जाते हैं तो बोलते हैं कि भारत माता की जय। ये हम हिंदुस्तान के हैं और हम और हमारी जनगणना जातीय नहीं होनी चाहिए। यही नीतीश कुमार, अगर आज भाजपा नहीं छोड़े होते तो इनका बयान पढ़ लीजिए, कहे कि जाति गणना नहीं होगी। और आज चले गए राष्ट्रीय जनता दल के साथ तो कह रहे हैं कि जनगणना हो, इसलिए कि कुर्सियां दिख रही है ना, और लमकी जो कुर्सियां बगल में बैठते हैं, एक बार याद होगा अगर राहुल गांधी जाकर कहे मोदी जी के उठो 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 उठो, याद है आपको लोकसभा के बाद। आपके हिसाब से जाति जनगणना नहीं होती, नहीं होनी चाहिए, वरना लोग जो है आपस में लड़ेंगे और बटेंगे। अरे हमारे, हम अब जब अपने घर बैठते हैं तो हमारे साथ हर लोग बैठते हैं, ब्राह्मण बैठता है, ठाकुर बैठता है, कहाँ हमारे यहाँ, हमारे तो कोई द्वेष नहीं। द्वेष पैदा करने वाले ये कुर्सी के लालची कहते हैं कि जातीय गणना होनी चाहिए। मैं फलाना बिरादरी से हूँ, मैं फलाना बिरादरी से हूँ, और अपना एक झंडा लेकर के आता है, पता लगता है कि उसका बाप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया, वो लड़का महामंत्री हो गया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कुर्सी के लिए लड़ रहा है कि मुझे एक ही सीट दे दीजिए, MLC बन जाना है। देश के लिए कहाँ लड़ रहा है कोई भाई? आपसे उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये विपक्ष का पोपो डंडा है, ठीक है? आज मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूँ, आपके राष्ट्रपति कौन से कास्ट के बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री कौन से कास्ट के बैठे हुए हैं, फिर आप बार बार कह रहे हो जाति जनगणना होना चाहिए, जाति जनगणना होना चाहिए। शर्म नहीं आती है? अपने जात के ऊपर आप अंगुली उठा रहे हो कि राष्ट्रपति बना हुआ है, प्रधानमंत्री बना हुआ है, और किस बात का जाति जनगणना होना चाहिए अभी बताइए? कोई पंडित ठाकुर बना हुआ है राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कोई पंडित ठाकुर बैठा हुआ है? आपका ही कास्ट, ये विपक्ष वालों का पोपो डंडा है, ठीक है? ये नहीं चाहते कि हमारे बिरादरी वाले ऊपर बैठे, ये फोर फूट फाट डालना चाहते हैं अपने बिरादरियों। जो विपक्ष ये कह सकता है कि रामचरितमानस पे हमारी सरकार आएगी तो मैं बैन लगा दूंगा, उस सरकार से आप क्या आशा करते हो? अब क्या कुछ नुकसान है जाति जनगणना? मैं कह रहा हूँ 2024 के बाद ये जाति जनगणना अपने आप अवश्य करवा दिया जाएगा, इनका घमंड तोड़ दिया जाएगा कि अब जाति जनगणना से आपको लाभ कितना है। ये होना बहुत ही अत्यंत है और होगा 2024 के बाद, इसकी तैयारी चल रही है। 2024 के बाद जाति जनगणना जरूर करवाया जाएगा, लेकिन विपक्ष इसको भूल जाए कि रामचरितमानस पे बैन लगा पाए। 24 के बाद क्यों, 24 के पहले क्यों नहीं? 24 के पहले हर चीज का समय होता है, उसका आकलन होता है, ऐसे हवा में कह देने से नहीं हो जाता है कोई चीज, उस पे चल रहा है मंथन। हर 10 साल पे सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है वो जनगणना कराती है, 2011 के बाद से ये जनगणना नहीं हुई है, तो कम से कम 23 आ गया, 12 साल हो गए और अभी तक जनगणना नहीं हुई है, तो 24 के बाद ही क्यों, 24 के पहले क्यों? जनगणना के लिए ही तो उनके बड़े बड़े मंत्री और बैठे हुए हैं राष्ट्रपति, यही चीजें तो उनको हजम नहीं हो रहा है ना विपक्ष वालों को, कि हमारे कास्ट का बैठा हुआ है उसको नीचे करो, और ये जो है राम राज्य है, इसमें हर वर्ग को जो है बराबर समानता दी जाती है, यहाँ कोई ना छोटा जाति है ना कोई बड़ा जाति है, हमारे पार्टी में हर बिरादरी का बराबर है। आज जो है नीचे वर्ग के आदमी उठा करके राष्ट्रपति बनाया गया है और प्रधानमंत्री बनाया गया है, ये राम राज्य की सरकार है, ठीक है? राम राज्य की सरकार आप कह रहे हैं, कानपुर में गरीब के घर बुलडोजर चल जाता है, 2 लोग मर जाते हैं, उसमें हमारे सरकार का दोष नहीं, अधिकारी का दोष है। जो अधिकारी किसके हैं? जो अधिकारी गलत किए हैं उनको जो है जांच का विषय है, जांच करके उनके ऊपर। अधिकारियों पे सरकार की लगाम नहीं? सरकार का लगाम क्यों नहीं है? अधिकारी खिलाफ क्यों जांच कमेटी बना नहीं दी गई है, आपको नहीं पता है? कितने लोग के नाम है, कितने अधिकारियों का नाम है? अभी कुछ लोगों का है, कुछ जो बाकी बचे हुए हैं क्या, जांच चल रही है, जैसे वो आ जाते हैं कटघरे में उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। ये राम राज्य की सरकार है, इसको भूल जाए विपक्ष,
इसको तोड़ना आसान नहीं है, 50 साल अब भूल जाए विपत्ति। तो हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी राय जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना की स्थिति क्या है और उत्तर प्रदेश की जनता इस जाति जनगणना के मुद्दे को किस प्रकार से ले रही है। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जाति जनगणना से क्या कर लेंगे हमको ये बताइए, क्या इतने सालों से ये सत्ता में रहे, कम से कम 45-46 साल कांग्रेस रही, वो जाति गणना नहीं करा पाई। ठीक, उसके बाद मायावती की सरकार रही, वो जाति गणना नहीं करा पाई। उसके बाद सपा की इतनी बार 4-4, 5-5 बार सरकार सबकी रही, वो जाति गणना नहीं करा पाई। जब ये सारे इनके भ्रम टूट गए, वे सत्ता से बाहर हो गए, तो इनको जाति जनगणना याद आ रही है। मैं तो कहता हूँ जाति जनगणना क्या, जाति नाम से कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चाहे वो कोई उच्च हो, ये सब क्यों, ये सीधे सीधे नाम स्कूल में लिखा जाए तो वहाँ पर जात लिखी ही ना जाए, समझे? बिल्कुल जात लिखनी ही नहीं चाहिए। ये जात का मुद्दा तो ये विपक्ष वाले इसलिए कर रहे किसी तरीके से सत्ता आ जाए। मेरा नाम दुर्गा प्रसाद मौर्य है। मैं नहीं चाहता हूँ अंगड़ा पिछड़ा और ये SC ST हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम एक हैं, एक राष्ट्र हैं, एक रहेंगे। और ये जितने ये इसकी बात करते हैं, इनको सालों को जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि जाति जनगणना की बात करने वालों को उठा के जेल में डालना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए, क्योंकि होनी ही नहीं चाहिए। केशव मौर्य भी कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार जाति जनगणना कराएगी तो उनको भी जेल में डालना चाहिए। क्यों, जो कहे उसमें कौन है? हम तो कहते हैं जाति गणना होनी ही नहीं चाहिए। काहे की जाति गणना? अरे आप यहाँ के लोगों का मतलब वो गणना होनी चाहिए। हमारे भारत में कितने लोग रहते हैं, जनगणना इसकी होनी चाहिए कि आपस में SC ST और OBC और ये भी सबकी होनी चाहिए। 12 साल से तो जनगणना भी नहीं हुई, 2011 में लास्ट बार जनगणना हुई थी और अभी तक जो है जनगणना भी सरकार ये तो नहीं करा पा रही है। नहीं, जब जनगणना हुई थी 2012 में 11 में हुई थी तो सपा की सरकार थी, तो उसने सब कुछ उसमें भरवाया था, कौन कौन क्या किस कास्ट का है वो भी डलवाया गया था, मैंने भी उसमें डाला था। तो उनके पास जनगणना उस समय नहीं आई कि हमारे उत्तर प्रदेश में कितने लोग हैं। ये भ्रम की स्थिति तोड़ें, हम सब एक हैं, एक रहेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक पार्टी श्रेष्ठ पार्टी। तो इन भाई साहब का कहना है कि भारतवर्ष में जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए और हम सब एक हैं, और जो लोग भी जाति जनगणना की बात करते हैं उनको उठा के जेल में डाल देना चाहिए। ठीक, यस। अब हम और भी लोगों से प्रतिक्रिया लेंगे, और भी प्रतिक्रिया लेंगे लोगों से, लोग जानेंगे कि क्या जो है उत्तर प्रदेश की जनता, लखनऊ की जनता जाति जनगणना के मुद्दे को किस प्रकार से देखती है। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी? जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए तो जातीय सम्मेलन क्यों सरकार करा रही? अलग अलग जातियों का सम्मेलन कराने का मतलब अलग अलग जातियों को जानना चाहती है, अपने पक्ष में लाना चाहती है, वो अच्छा उसके लिए, और जातीय जनगणना करा दे वो खराब है। तो आपके हिसाब से जाति जनगणना होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, जो मांगते हैं लोग, जिसकी जितनी भागीदारी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए, तो होनी चाहिए। क्या जाति जनगणना से नुकसान नहीं होगा? क्योंकि जब उसकी वोट इतनी है, इतने संख्या में जिसकी वोट है, जब वोट पर सारा आधारित खेल है, तो वोट पर आधारित, तो जिसकी जितनी अधिक वोट है उसकी अधिक उस सत्ता में भी भागीदारी होनी चाहिए। नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री जो है OBC वर्ग से आते हैं, मंत्री चाहते हैं कि हम सदैव बने रहे, मुख्यमंत्री चाहते हैं मेरी पुश्तैनी संपत्ति हो जाए, ऐसा नहीं, गलत है। अगर भाजपा में है तो भाजपा में एक बार मुख्यमंत्री बनकर दूसरे को भी अवसर देना चाहिए, एक ही व्यक्ति को, एक ही जाति को क्यों बार बार? ये बताइए कि अगर जाति जनगणना होती है और कुछ जातियों की संख्या जो है बाकियों के मुकाबले में कम तरह की जाती है, तो फिर वो जाति जो है अपनी संख्या बढ़ाने की बात करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा, तो कहीं ना कहीं देश की आबादी बढ़ेगी, पर्याय नियोजन पे खतरा पड़ेगा। आज भी बढ़ रही है, क्यों नहीं बढ़ रही, यहीं पर दिखा दो। एक एक व्यक्ति के 12 लड़के और 4 लड़की है, 16, दूसरे भाई के 8 लड़के 1 लड़की। अब की जनरेशन में कहाँ 12 लड़के 16 लड़के आ रहे हैं? अरे मोदी जी की फैमिली 8 लोगों की है, 9 लोगों की, सब सके भाई बहन है, 5-6 भाई हैं, 2-3 बहनें हैं, वो का जनसंख्या नियंत्रण करेंगे? तो आप बताइए कि किस तरीके से आम जनमानस इसे देखता है? आम जनमानस नहीं, योगी जो मोदी को लाए हैं, मोदी सदैव चाहते हैं कि मेरे इशारे पर सब नाचे, एक नौटंकी का एक्टर समझो बस, प्रधानमंत्री की योग्यता नहीं, एक नौटंकी के एक्टर की योग्यता है। आप स्पेशली जो है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के जो योगी और मोदी को,
पूरे टीवी लगा दे सबको, 10-10 मिनट के लिए अलग अलग मंच लगा दे, अब उनको बोलने का अवसर दो, मुझको बोलने का अवसर दो, जनता खुद फैसला कर देगी। काहे खार खाए हुए हैं मोदी योगी से? काहे खार खाए हैं, इनकी पुश्तैनी संपत्ति है, वो मेरे परिवार को रोज लड़ा रहे, ये उनका खेल है, ये उन परिवार को रोज लड़ा रहे, वक्त की पक्षदारी कर रहे और फिर कहते हैं हम हिंदूवाद भी फैला रहे, ये दोनों का नंगा नाच उघार कर रहूंगा। खेलें खेल, मुझसे ज्यादा योग्यता न योगी रखते हैं न मोदी रखते हैं, 100 योगी और 100 मोदी आ जाए एक एक रोहे के बराबर नहीं, तो लगा दे टीवी क्यों नहीं, या तो जीवन भर बिन पैसे की गुलामी करूंगा, रख लें शर्त, यही जुआ खेल। उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जातीय जनगणना अगर किसी जरूरत के लिए है तो मुझको लगता होनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मगर जातीय गणना से ज्यादा जरूरी है कि इस देश में जातियों के नाम पर बवाले खत्म किए जाए, आरक्षण पे नाम पे बवाले खत्म किए जाए, योग्यता के अनुसार पर ही किसी को जॉब मिलनी चाहिए, वो चाहे दलित हो, चाहे वो बीच का हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो पंडित हो, तो ये तो नेताओं का अपना खेल है ना, इसके ये अगर ये सब नहीं चलाएंगे तो इनकी सत्ता कैसे चलेगी। तो मुझको लगता है जाति गणना, आरक्षण, ये सबको देश से उठाकर बिल्कुल एकदम बंद कर देना चाहिए। और बाकी और कुछ पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, लगातार क्षेत्रीय दल जो है वो प्रदेश सरकार से मांग कर रहा है, समाजवादी पार्टी भी प्रदेश सरकार से मांग कर रही है कि जाति जनगणना होनी चाहिए ताकि जितनी लोगों की हिस्सेदारी है उनके हिसाब से योजनाएं बन सके और उनको बेहतर लाभ मिल सके। देखिए, योजनाएं तो मैंने काबिलियत के अनुसार करी हैं, कहीं है आपको फिर बात वहीं पर ही आ गई बात कि अगर जातियाँ ही तय करेंगी कि हमें जॉब मिलनी चाहिए और उनमें योग्यता ना हो, मुझको लगता है कि आप जब किसी को नौकरी देते हैं तो उसका विदेशों में जैसे टेस्ट एजुकेशन टेस्ट होता है नौकरी से पहले, वो यहाँ पर क्यों नहीं है भारत में? भारत में एजुकेशन टेस्ट किया जाए और योग्यता और ना योग्यता दोनों बाहर आ सकती हैं, सिर्फ इतना करके उनके ऊपर जब उनके ऊपर ऐसा कुछ लगाया जाएगा, सख्ती की जाएगी, तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें आप हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। आरक्षण वाला मुद्दा या जाति जनगणना वाला मुद्दा, ये सिर्फ बेपैर की बात है, नेता इसका सिर्फ और सिर्फ सालों से लाभ उठाते आए और तय दुनिया तक लाभ उठाते रहेंगे, इसका कोई भी समाधान नहीं निकल सकता है। अगर जाति गणना से मान भी लिया जाए, एक बारी मान भी लिया जाए कि कितनी है, किसकी कितनी आबादी है, तो उसके आधार पर आप नौकरियां तय करेंगे, तो ये तो इसका मतलब योग्यता कोई चीज़ नहीं है, इसका मतलब पढ़ाई शिक्षा करना कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। आप अपनी बेवकूफ़ियों पे जनता का समय नष्ट करें और अपनी दूध मलाई खाएं। और कुछ पूछ लो पे उनकी क्या राय है? जाति आधारित जनगणना उत्तर प्रदेश में मांग हो रही है तमाम पार्टियों द्वारा, क्षेत्रीय दलों द्वारा, तो उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जाति जनगणना होनी चाहिए, इससे पता चल जाएगा किसकी कितनी संख्या है, जिसकी जितनी संख्या हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जाति जनगणना होनी चाहिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो निर्णय लिया है बहुत बड़ा निर्णय है। आपकी भी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, आपकी भी सरकार थी, तो आपने क्यों नहीं सिफारिश की केंद्र सरकार को जाति जनगणना की? जब सरकार को समाजवादी पार्टी ने लिखित दिया था और केंद्र सरकार ने इस पर निर्णय नहीं लिया। आज ये होता था कि जब जिसकी सरकार केंद्र और प्रदेश में होगी वही निर्णय लेगा। आज समाजवादी पार्टी की सरकार अगर उस समय केंद्र में भी रही होती तो जाति जनगणना हो गई होती। आज देखिए बिहार में तैयारी हो रही है जाति जनगणना की, उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना की मांग हो रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी को इसे घबराहट है, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बिहार में जाति जनगणना हो रही है, ये उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्ट आ रहा है आप इस देख लीजिए, ये धोखलेबाजी है और यहाँ पे गमले की चोरी दिखाया जा रहा है और ये दीवालों रंगने से काम नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है, कोई व्यवस्था, नौजवान हमारा बेरोजगार है, किसानों के पास खाद नहीं मिली, समझ, और बेरोजगारी का मुद्दा है। ये जो अग्निवीर निकाले हैं ये टोटल धोखलेबाजी है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा है, हमारा नौजवान आज जितने भी भाई खड़े हैं इनके पास, ये बेरोजगार हैं, इनके पास कोई काम नहीं है,
और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ठेके से लेकर के हर जगह ये दिखता था कि यह बन रहा है वह बन रहा है। आप देखेंगे जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल बने, जितने बड़ी रोडें बनी, आपका मेट्रो बना, यानी कि कोई भी कहीं भी आप जाए खाद और बिजली के लिए किसी को भागना नहीं पड़ा। और जातीय जनगणना होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। जाति आधारित जनगणना होने पर क्या हिंदू समाज जातियों में नहीं बटेगा? नहीं नहीं, उसमें बटेगा नहीं, जाति जनगणना हो क्यों नहीं बटेगा? आप भी आपकी जाति की संख्या अधिक होगी, उनकी जाति की संख्या कम होगी, तो जिसकी जितनी जाति की संख्या होगी उसमें से हिस्सेदारी मिल जाएगी। तो फिर वो अपनी जाति की संख्या बढ़ाएंगे, अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे उस जात के लोग जहाँ पे हिस्सेदारी उनकी कम है। ये बताइए जिस हमारी संख्या नहीं, जितने ओबीसी एससी जितने अल्पसंख्यक हैं और जितने सवर्ण के लोग हैं जितनी उनकी संख्या है, आप देख लीजिए डीएमएसपी कौन है आज, सबसे ज्यादा संख्या वो लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं। आप ये बताइए, UPA 2 में सपा ने साथ दिया था, सहयोग दिया था, तब UPA 2 की सरकार बनी थी, उत्तर प्रदेश में आपका शासन था, UPA 2 में भी आप भी जो है सहयोग किए थे 20-22 सांसद लेके, वहाँ भी आपकी हिस्सेदारी थी, प्रदेश में आपकी सरकार थी, तब आपने जाति जनगणना के लिए क्या किया? आप सही कह रहे हैं, जब हमारे स्वर्गीय संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे और उन्होंने किसानों की बात रखा, नौजवानों की बात रखा, जाति जनगणना की बात की, उन्होंने सब कुछ किया, रक्षा मंत्री थे, उन्होंने देश के लिए किया रखा, इस मुद्दे पर सुनिए ना, आप सुनने कोशिश करिए। माननीय नेताजी ने जो हमारे सैनिक शहीद होते थे उनका बेल्ट और टोपी आता था, बिल्कुल मैं मानता हूँ, आप इस मुद्दे पे बात किया, आप देखिए मुद्दा ये है कि आपकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, UPA 2 में सहयोग था, तो आपने इस मुद्दे पे क्या किया? नहीं नहीं, मैं मेरा नहीं घुमा नहीं रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग घुमाते हैं। मैं जो कह रहा हूँ, मेरा सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ नेताजी बेल्ट और टोपी आती थी, और माननीय मुलायम सिंह जी जब रक्षा मंत्री हुए, चाहे UPA की सरकार रही हो, उस समय समाजवादी पार्टी के लोग बोलने का काम करते, लड़ने का काम करते थे, उस समय से लेकर के आज भी जाति जनगणना की बात अगर कोई उठाया है तो है समाजवादी पार्टी के लोग। आपकी सरकार प्रदेश में थी, नहीं बात सुनिए, आपकी सरकार प्रदेश में थी, केंद्र सरकार में आपकी सहभागिता थी बराबर, 20-22 सांसद आपके थी, 20-22 विधायक सांसद लेकर के जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने वहां पे अपना वर्चस्व दिखाया है, उस तरीके से ज्यादा लोग सांसद। मैं वही जानना चाहता हूँ कि आपने जो है सहयोग किया था तब UPA की सरकार बनी थी, तो आपने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से क्या कुछ रखा, क्या मांगे की? रखे होती अगर हमारी बात माने होते, ओबीसी आरक्षण राजभर से लेकर के निषाद कोरी कुहार लोहार बढ़ई का जो अनुसूचित जनजाति के मांग हमने किया था, गौड़ की मांग किया था, क्या हमारा केंद्र सरकार नहीं मानी? हमने अपना समर्थन वापस लिया, समझ रहे? तो इस तरीके से जाति जनगणना वापस लिया समर्थन, अबे जाति जनगणना होनी चाहिए। समर्थन आपने कब वापस लिया था? नहीं, समर्थन का जो है जाति जनगणना जो है हो जाने से ये क्लियर हो जाएगा किसकी कितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागे तो ठीक है, लेकिन UPA 2 में आपकी सरकार की सहभागिता थी, प्रदेश में आपकी सरकार थी, अगर आप जाते दर जनगणना चाहते थे तो सरकार पे आपने दबाव क्यों नहीं बनाया? नहीं देखिए, उस समय जो लोग भी थे वहाँ पे, माने नेताजी तो है नहीं, बाकी जिस समय उस संसद में बोलते थे किसानों से लेकर नौजवानों से लेकर के जाति जनगणना से लेकर के सारी चीजों में बहस करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश में है, उसका कहीं कोई मतलब है? आप बताइए, उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना का जो मुद्दा चल रहा है होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप देखिए, सबसे अच्छी बात है, देखिए मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी के बारे में सही जानकारी मिल जाए, पिछड़ी जातियों के बारे में, अति पिछड़ों के बारे में जानकारी अगर हो जाए, जैसे आपत्ति क्या है, पहली चीज आपको याद होगा अभी आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने पिछले दिनों बोला था कि जाति जनगणना हम कराएंगे, लेकिन उन्हें अपने स्टूल का खतरा दिखाई दिया, उन्होंने 3 दिन बाद ही अपने बयान पलट दिए कि जाति जनगणना कोई ज़रूरत नहीं है, तो समझ सकते हैं अपने स्टूल बचाने के लिए हमारे जो पिछड़े समाज की भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नेता हैं वो अपना स्टूल बचा रहे हैं, अपना व्यवस्था बची रहे, अपना सिस्टम बचा रहे हैं। पलटवार भी किया है केशव मौर्य ने और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पलटवार किया कि पहले वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ें और किसी OBC वर्ग या पिछड़े वर्ग को रखें, उसके बाद जाति जनगणना की बात करें। देखिए ये आप जानते हैं केशव प्रसाद मौर्य अनाप शनाप बयान के लिए जाने जाते हैं, उनको आपको पता होगा उनका एक बयान बहुत चर्चित बयान था उस समय विधानसभा के अंदर, जो वो कहते थे कि क्या रोड आप अपने वहाँ कहाँ से लेके आए थे, सोचिए ऐसे बयान के लिए उनके बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं, पलटवार अखिलेश जी भी नहीं तो कुछ अलग अंदाज में किया, लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या ऐसा किसी भी बड़े नेता के बारे में क्या ऐसी छोटी बयान दे सकते हैं क्या? आप बताओ डिप्टी CM पद पे बैठे हो, आप बताओ कौन आदमी अपने घर की जमीन बेच के काम करेगा,
जनता का, जनता के द्वारा कम से कम उनको पढ़ना चाहिए, शायद नहीं पढ़ते हैं। तो सवाल यह है, भारतीय जनता पार्टी के लोग पढ़ते नहीं है, जानते नहीं है, केवल झूठी बातें करनी है उनको, है केवल झूठ प्रचार करना है। झूठे प्रचार को आपको याद होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंदर कहा कि 6 करोड़ नल हम दिए, घर घर हर घर नल योजना में 6 करोड़ लोगों को दिया गया, और अगले दिन राज्यसभा में बोला 11 करोड़ लोगों को नल दिया गया। तो ये बड़े बड़े झूठ बोलते हैं ये लोग, लंबे लंबे झूठ बोलते हैं, लाल किले की प्राचीर से जो लोग झूठ बोलते हैं, आदर्श ग्राम का नाम ले लेते हैं आज, 100 स्मार्ट शहर का नाम नहीं लेते, 2 करोड़ रोजगार का नाम नहीं लेते, जो किसानों की आय दुगुनी की बात करने वाले थे किसानों की आय लागत दुगुनी हो गई, जो हर गरीब को पक्का मकान देने की बात करते थे आज लोगों को ला करके धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अंग्रेजों की नीति पर हमेशा काम करते आए हैं। इनका एक सूत्री कार्यक्रम है, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। आप देखिएगा आने वाले समय में यही जनता उनके खिलाफ खड़ी होगी और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रचार नहीं कर पाएंगे। हालत यह है, आप डेवलपमेंट की बात कर दो, क्या भारतीय जनता पार्टी कोई नेता आज कोई काम कर पा रहा है, क्या उसकी कोई सुनवाई है? आप कोई सांसद आप देख लो आज आदर्श ग्राम का नाम लेता है, हम लखनऊ के अंदर खड़े हैं, कोई रोड पे निकल जाओ जिस रोड पे गड्ढे ना हो, और हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा गड्ढा मुक्ति बात करते हैं। तो सवाल यह है कि क्या जनता जो 2 करोड़ रोजगार की लोग बात, नौजवान आज दर दर भटक रहा है। अभी मैं बताऊं, आप चले जाओ इको गार्डन, वहां पे ना जाने कितने लोग धरने बैठे हुए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? हिंदुस्तान के आजादी के इतिहास के बाद मुझे बताइए कब शासन प्रशासन के सामने एक माँ और बेटी को जिंदा जला दिया गया? ऐसा कुकृत्य आज तक कभी देखा था आपने? एक पूरी कौम को ही जिंदा जला दिया गया था, आप शायद नहीं जान रहे हैं, कई सारी घटनाएं हुई हैं। खैर मुद्दे पे नहीं भटकते हैं, ये बताइए कि जाति आधारित जो जनगणना है उससे क्या देश का विकास हो पाएगा? एकदम विकास हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लो आप 2 भाई हो, अगर एक भाई सारा हक खा रहा है तो दूसरे भाई को अगर कम से कम उसके अधिकार के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्या उसको बंटवारा नहीं मिलना चाहिए, क्या उसको बराबर हिस्सा नहीं मिलना चाहिए? ये बात हिस्सेदारी की है, बात सम्मान की है, आरक्षण प्रतिनिधित्व का सवाल है। हम कह रहे हैं अगर अगर एक भाई अगर क्या नाम है मजबूत है तो दूसरे भाई को भी अधिकार मिलना चाहिए, बुराई क्या इसमें? हम कह रहे हैं अगर जानकारी अगर हमको हो जाएगी, कहाँ और कहाँ बैठ रहे धोबी केवट कुछ मल्ला हर जातियों के बारे में जानकारी हो जाएगी तो आपको समस्या क्या है? आप मुझे बताइए ना। हम ये कह रहे हैं कि जब आप जो है एक तरफ अगर आप न्यायपालिका से लेकर के जितने भी आप अंदर देख लीजिए आरक्षण, अभी देखिए जितनी नियुक्तियां हो रही हैं, अभी आप गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर जो आप देखिए नियुक्तियां जो हुई हैं उसमें किन लोगों को भरा जा रहा है? तो सवाल यह है कि क्या सबका साथ? ये आरोप तो सपा पे भी लगते थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी, ये आरोप लगते रहते थे और सपा का भी लगते रहते कि आपकी जब सरकार थी तो विशेष वर्ग के लोगों की भर्तियां। हाँ मैं जवाब देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचार प्रसार झूठा प्रसार प्रसार करने में माहिर हैं। आपको ध्यान होगा हमारे प्रधानमंत्री नारा दिए थे, एक बार बोलो, दो बार बोलो, बार बार बोलो, बोलते रहो झूठ को, बोलते ना उन्हें। आपको याद दिलाता हूँ 86 में 54 यादव की बात होती थी, मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मुझे बता दें कोई एक आदमी बुद्धिजीवी बात कर ले को बता दे कि क्या 86 सीट SDM की उस साल थी? ये झूठा प्रचार किया गया और चैनल के माध्यम से प्रचार किया गया, मीडिया के माध्यम से प्रचार किया गया, बस केवल ये दिखाया गया कि केवल पिछड़ी जाति का एक समाज के लोग खाना हक खा रहे हैं। ये गलत प्रचार करने वाले लोग हैं। मैं चैलेंज करता हूं कभी डिबेट ये लोग सच्चाई पे कर लें, ईमानदारी से कर लें, नहीं कर सकते हैं, केवल झूठ प्रचार करते हैं, केवल फेक बातें करते हैं। आप बताओ आज के टाइम में क्या सवाल नहीं है? SSC की परीक्षा हम लोग इलाहाबाद पढ़ते थे, हर साल 2 बार परीक्षाएं होती थी। आप मुझे बता दो पिछले 4-5 सालों का परीक्षा हुई है? रेलवे में अकेले केवल 3.25 लाख नौकरी खा गई है लोग, ये कौन सा प्रचार हो, कौन खा रहा है? हमके सत्ता आपकी है, सबको हक दो। आपने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि यादव का काम को होता था, आप मुझे बताइए 3.25 लाख नौकरियां अगर खाई गई तो क्या जनरल नौकरी ना कोई पाते, क्या पिछड़ी जाति का नौकरी नहीं पाता, सबको नौकरी मिलती? तो भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकरण केवल अपने 2 आदमी बेचने वाले, 2 आदमी खरीदने वाले। और मैं सच बताऊं नौजवानों से मेरी अपील है कि जाग जाओ, आने वाली पीढ़ियां तुम्हें माफ नहीं करेंगी। जब आपकी पीढ़ियां आप सवाल करेंगी, नजर से नजर मिला के बात करेंगी, जब देश बिक रहा तुम कहां थे, तो आप जुबान निकाल नहीं पाओगे, तो आप झुक जाएगा शर्म से। आप इसलिए झुकाने वाला काम मत करिए। हम सब नौजवानों से अपील है कम से कम आप अपने अधिकार को जानिए, समझिए और अपने अधिकार के लड़िए, नहीं तो आने वाले समय में ये देश फिर गुलामी की तरफ बढ़ रहा है, उसको समझने की जरूरत है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ रोजगार बहुत भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, आप कह रहे हैं गुलामी तरफ बढ़ रहा है, G20 की अध्यक्षता कर रहा है। आपने देखा होगा किस तरीके से फूल पौधे लगाए गए थे, गमले चोरी हो गए। एक तरफ आप G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, एक तरफ ही बगल में कानपुर जहां बगल में दो एक माँ और एक बहन को सरेआम जिंदा जला दिया गया, कैसी अध्यक्षता है? आप अध्यक्षता करो लेकिन हमें जो हमारे यहाँ समाज के लोग हैं, जो हमारे दलित हैं, पिछड़े हैं, SC ST हैं और जो जनरल में गरीब हैं, गरीबी जानते हैं हम समाजवादी लोग, गरीबी केवल 2 मानते हैं,
गरीबी कल दो ही है, एक गरीब और एक अमीर, बाकी कोई जाति नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनके हक मिल पा रहे हैं, क्या उनका हक उनको मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हक खाना चाहते हैं, और जब हक की बात करो लाठी मारते हैं, डंडे मारते हैं आपके खिलाफ। आप मुझे बताओ पूरे हिंदुस्तान में क्या भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार नहीं पकड़ा गया, क्या उनके खिलाफ ईडी जांच नहीं होनी चाहिए। अभी जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी ने, तो ढह गया वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। इसी पूर्वांचल एक्सप्रेस चले जाओ आप, कितने आपको जर्किंग मिलती है, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है, क्या इसके खिलाफ जाँच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सवाल ये उठता है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं, अगर वो केवल हमें और आपको आंख दिखाने का काम करते हैं, अगर आप अपनी आवाज बुलंद करने का काम करोगे तो आपको ईडी सीबीआई विजिलेंस डराने का काम करते हैं, लेकिन समाजवादी ही मुकाबला करेंगे भारतीय जनता पार्टी का, और कोई मुकाबला नहीं करने वाला है। समाजवादी लोग इनको हराएंगे और इनको फिर से वापस 4-5 सीटों पर भेजने का काम करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि लखनऊ की जनता जो है वो जाति जनगणना के मुद्दे पर बटी हुई है। कोई कहता है कि जाति जनगणना होनी चाहिए ताकि सबकी हिस्सेदारी उनको उनके जात के हिसाब से, उनकी संख्या के हिसाब से मिल सके, लेकिन वही कुछ लोग हैं जो जाति जनगणना का विरोध करते हैं। हम आपको बता दें कि जाति जनगणना 1931 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हुई थी, उसके बाद आज तक जाति जनगणना नहीं हुई है। 2011 में यूपीए की सरकार ने जाति जनगणना की कोशिश की थी, लेकिन रिपोर्टों में कमी को आधार बताकर डेटा को बताया नहीं गया। उसके बाद से आज़ादी का इतिहास के बाद से अब तक जाति जनगणना नहीं हुई है। 1951 में देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने यह कहा था कि अगर जाति जनगणना होती है और किसी जाति वर्ग की संख्या कम आती है तो वो अपनी संख्या को बढ़ाने की बात करेगा, अपनी संख्या को और भी आगे बढ़ाएगा, और इससे परिवार नियोजन का खतरा बनेगा और देश की जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी। इस तरीके से उन्होंने जाति जनगणना को सिरे से खारिज कर दिया था। कैमरामैन सुधीर के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी लखनऊ। इस देश के प्रधानमंत्री जो है ओबीसी वर्ग से आते हैं, मंत्री चाहते हैं कि हम सदैव बने रहे, मुख्यमंत्री चाहते हैं मेरी पुस्तैनी संपत्ति हो जाए, ऐसा नहीं गलत है। अगर योगी जी ने अगर अपने 5 साल कार्यकाल में अगर उन लोगों से दुगुना रोजगार नहीं दिया होंगे तो हम लोग पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। मैं कह रहा हूँ 2024 के बाद यह जाति जनगणना अपने आप अवश्य करवा दिया जाएगा, इनका घमंड तोड़ दिया जाएगा कि अब जाति जनगणना से आपको लाभ कितना है। किस तरीके से आम जनमानस इसे देखते हैं? आम जनमानस नहीं, योगी जो मोदी को लाए हैं, मोदी सदैव चाहते हैं कि मेरे इशारे पर सब नाचे, एक नौटंकी का एक्टर समझो, बस प्रधानमंत्री की योग्यता नहीं एक नौटंकी के एक्टर की योग्यता है। देश पैदा करने वाले ये कुर्सी के लालची कहते हैं कि जातीय गणना होनी चाहिए। मैं फलाना बिरादरी से हूँ और अपना एक झंडा लेकर के आता है, पता लगता है कि उसका बाप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया, वो लड़का महामंत्री हो गया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुर्सी के लिए लड़ रहा है। और किस बात का जाति जनगणना होना चाहिए अभी बताइए, कोई पंडित ठाकुर बना हुआ है राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कोई पंडित ठाकुर बैठा हुआ है? आप कहीं कास्ट, ये विपक्ष वालों का पोपो डंडा है, ठीक है। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।